ऐसा एरिया देखें जहाँ पर आपको कोई भी ना हो, या तो आप देखना होगा, तो लाहौर में बड़ा सोसाइटीज़ बन रही हैं, कराची में बन रही हैं। ये 5 लाख इन्वेस्टमेंट के अंदर हमें क्या चीज़ें लेनी होंगी, क्या क्या ऑपरेटर्स है इसका, या कैसी वायर जो सी हम यूज़ कर सकते हैं? 5 लाख से लेकर 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, अगर आपने कोई एरिया लेना है बना हुआ कि मतलब कि काम हुआ हुआ ये जिसमें यूज़र भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं चैनल कारोबार टीवी, इस चैनल पर हम लेकर आते रहते हैं आप लोगों के लिए नए नए आइडियाज़ और बिज़नेस रिलेटेड टिप्स। ऐसे ही आज हम आए हैं अपने ही एक दोस्त जानने वाले के पास, जो इसका नेट इंटरनेट केबल का काम है, वो मुख्तलिफ़ इलाकों में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर इनका जो बिज़नेस है वो सर्विस प्रोवाइडर का बिज़नेस है। तो इन्होंने एक तो हमें टाइम बहुत ही देर के बाद दिया, पर फिर भी इन्हों का हम शुक्रिया अदा करते हैं भाई का कि इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे व्यूवर्स को बताने के लिए आज यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं कि ये काम हम कैसे कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं, या इसके अंदर हमें क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं और इन्हों से हम कैसे निपट सकते हैं। तो हम जानते हैं असद भाई से कि बेसिकली ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का बिज़नेस है या ये जो काम है, ये हम मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, पहले तो हमें आप ये बता दें। मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो तो आप 5 लाख से लेकर 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, अगर आपने कोई एरिया लेना है बना हुआ कि मतलब कि काम हुआ हुआ ये जिसमें यूज़र भी हैं और वायरिंग भी हुई है, सब चीज़ जिसमें होती है ना ऑलरेडी, तो वो आपको मिल जाता है इस टाइम लाहौर के अंदर ना 20 लाख से लेकर 25-30 लाख। ठीक, और अगर आपने स्टार्ट करना है न्यू सिरे से, तो फिर आपको कम से कम भी 5 से 6 लाख तो होने चाहिए। यानी कि जैसा कि आपने देखा कि असद भाई ने बताया, अगर आपने एक डिवेल्प बिज़नेस, पूरे का पूरा बिज़नेस प्लान बिज़नेस आपने अगर परचेज़ करना है किसी ओल्ड ओनर से जो के पहले ये काम कर रहा हो, तो उसके लिए आपको मिनिमम 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। पर अगर आप पहले दिन से स्टार्ट करना चाहते हैं, अब सारा काम अपना खुद से शुरू करेंगे, तो उसके अंदर आपको ऑपरेटर्स और उसके रिलेटेड वायरिंग के लिए आपको कम से कम 5 लाख रुपया दरकार होंगे। तो इस काम के अंदर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये काम हमें मुख्तलिफ इलाकों में बैठकर करना पड़ता है, हमें लोगों को सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो इसमें कंपटीशन भी होगा जी। तो उस इलाके के अंदर जहाँ पर ये कंपटीशन चल रहा हो, तो उसके अंदर हमें अपनी जगह बनाने के लिए तो ज़ाहरी सी बात है मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता होगा। तो कैसी मुश्किलात आपको इस काम में पेश आती हैं? अगर मुश्किलात तो बड़ी आती हैं, लेकिन ना अगर आपने स्पीड के ऊपर देना है और स्पीड अगर अपनी अपनी सर्विस अच्छी रखनी है, कंप्लेन को अपने फौरन सॉल्व करना है अगर, तो आपने अपने यूज़र बनाने सबसे पहले, तो यूज़र का काम है, यूज़र जो भी बोल रहा हो, वो झूठ बोल रहा हो या सच बोल रहा हो, आपने बोलना जी ठीक है। अगर वो बोल रहा है कि भाई मेरा नेट परसों से बंद है और उसका नेट अभी आपके सामने बंद हुआ है, तो आपने बोला ठीक है भाई परसों से बंद है, चेक करा दो आप। ऐसी ऐसी भी कंप्लेंट्स होती हैं कि डिवाइस बंद होती है और वायर ही ली हुई होती है और बोलते हैं भाई नेट नहीं आ रहा, वाईफाई मोबाइल के वाईफाई भी बंद होते हैं ना, तो वो बोल रहे होते हैं नेट नहीं आ रहा। इतने भी लोग ऐसे भी गुजरते हैं कि यूज़र कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं, फिर जाके उनका वाईफाई अलाउ तो नेट आ जाता है। ऐसी अगर आपने कंप्लेंट्स को फौरन करना है ना, तो फिर आपकी एक नाम बन जाएगा। लेकिन कंपटीशन में ये होता है, एक तो MBs के रेट्स कम करने पड़ते हैं, अपने पास से भी आपने लगाना है, आपने पहले बचत नहीं देखनी, आपने पहले अपना नाम देखना है, नाम बन जाए उसके बाद फिर आप अपने रेट पर आ जाओ, तो मसला नहीं। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि असद भाई ने बताया कि इसके अंदर कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है इस फील्ड के अंदर, जैसा कि हर बिज़नेस के अंदर कंपटीशन तो होता ही है, वो बात अलग है कि अगर आप पहले दिन से कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, अपने तौर पर बिज़नेस स्टार्ट करें, तो वो आप ही उस बिज़नेस के अंदर एक अकेले खिलाड़ी होंगे और आप अपना कमीशन कमाएँगे उसमें से। पर जैसा कि ये जो सा बिज़नेस है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक ऐसा बिज़नेस है जिसके अंदर बेइंतहा कंपटीशन है और इसके अंदर आपको स्टैंड होने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है और फिर जाकर आप इसमें स्टैंड होते हैं। पर हम असद भाई से जानेंगे कि ये इन्होंने जो 5 लाख हमें इन्वेस्टमेंट बताई है शुरू में, ये 5 लाख इन्वेस्टमेंट के अंदर हमें क्या चीज़ें लेनी होंगी, क्या क्या ऑपरेटर्स है इसका, या कैसी वायर जो सी हम यूज़ कर सकते हैं अपने एरिया में जो हमें बेस्ट रिज़ल्ट दे अपने कस्टमर के लिए।
जो नेट है ना उस दो तरह का होता है, एक तो होता है सादर कैट सिक्स के ऊपर, एक होता है फाइबर के ऊपर। अगर आप फाइबर भी कर रहे हैं तो फिर आपने OLT ज़रूर लेनी है, OLT और 1/8, फिर उसके बाद मीडिया, उसके मीडिया तो नहीं लेने फाइबर के लिए। अगर आप फाइबर टू होम कर रहे हैं उसके लिए आपको ईबोन स्विच लेने पड़ेंगे, और ना अपना स्विच लेना पड़ेगा मेन 10G या 5G 1G। अब जो मैं लगाया हुआ उसने मैंने लगाया है 10G लगाया हुआ है मैंने, वो 28 पोर्ट वाला। तो वो जो है ना आपने दो तरीके से काम होते हैं, एक तो कैट सिक्स पे होता है, एक फाइबर पे होता है, और कैट सिक्स के ऊपर आपको स्विचेस फाइबर ये वो सब सामान लेना पड़ेगा। तो वो और अब तो वैसे भी कैट सिक्स ख़त्म होता जा रहा है एरियो में ना, आप सिर्फ फाइबर है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां आप एरियो में आ रही हैं, जैसे कि फाइबर टू होम हो गई, वो फाइबर की अपनी कंपनी है जबकि वो अपने लोकल एरियो में दे रही है। पहले तो लोकल बंदा कर रहा होता था, उससे वो फटा भी कर लो तो उससे आप कंपटीशन में भी जीत जाओगे, लेकिन कंपनी से कोई नहीं जीत सकता क्योंकि उनके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट बड़े लोग होते हैं। तो इसमें वैसे बेसिकली आपने बताया कि दो टाइप का नेट होता है जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं अपने कस्टमर को, तो इसमें ये आज के या अपकमिंग फ्यूचर दौर में हम देखें तो कौन सा बेस्ट रहेगा कि हम किस पे इन्वेस्टमेंट करें? फाइबर टू होम। जैसा कि आपने देखा कि असद भाई ने बताया कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है तो फाइबर टू होम जो उनसे इसकी कैटेगरी है आप उसमें इन्वेस्ट करें क्योंकि फ्यूचर उसी का है। तो आप हमें ये भी बता देंगे जो इस वक्त हमारा व्यूवर आपकी ये वीडियो देख रहा है वो ये कारोबार शुरू करना चाहे और उसे किसी चीज़ के अंदर मुश्किल या परेशानी आ रही हो तो वो आपसे कॉन्टैक्ट करके आपसे इन्फॉर्मेशन ले सकता है या आप ये सर्विस नहीं देंगे किसी को? नहीं, जी हम ज़रूर देंगे। अगर कोई हमसे पूछता है कि हमें किस एरिया में करना है और किस तरह करना है स्टार्ट, अब मेरा मानना यह है कि अगर आपने कोई काम स्टार्ट करना है तो आप गुच्छे हुए एरिए में ना करें। गुच्छे में मतलब कि आप जहाँ पर 2-3 बंदे बैठे हैं ना पहले से, उधर 5-5 छठा ना बने जाके, क्योंकि वो सबके लिए नुकसानदेह, आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा है, उनके लिए फिर नहीं है क्योंकि वो बहुत पुराने बैठे हुए होंगे, उनके यूज़र ज़्यादा होंगे, उनका नाम होगा, आपको नाम बनाने के लिए अभी शुरू से मेहनत करनी है। आप ऐसा एरिया देखें जहाँ पर आपको कोई भी ना हो, या तो आप देखना होगा, आप तो लाहौर में भी बड़ा सोसाइटीज़ बन रही हैं, कराची में बन रही हैं, इस्लामाबाद में बन रही हैं, पूरे पाकिस्तान में बन रही है हर जगह सोसाइटी। अब तो मुल्तान और साहिवाल में भी बनना शुरू हो गई हैं सोसाइटियाँ, गाँव भी अपडेट हो रहे हैं, गाँव में करें जाके, मतलब कि जो आपका ये इन्वेस्टमेंट है ना वो आपने सेव कर दिया। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि असद भाई ने बताया है कि आपने अगर ये इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप किसी नए इलाके में जो कि अभी नया डेवलप हो रहा है किसी ऐसे इलाके में इन्वेस्टमेंट करें, और उसके रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो भी आपको असद भाई भरपूर इन्फॉर्मेशन फ्राहम करेंगे। इसके अलावा अगर आपने किसी भी किस्म का नेट या कोई भी सर्विस आपने लेनी हो तो उसमें भी असद भाई आपकी हेल्प करेंगे। असद भाई से रابطہ कैसे करना है वो आपको यहीं स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा होगा, असद भाई का पर्सनल नंबर है, आप इस पर असद भाई से रابطہ करके मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए या अगर कोई सर्विस चाहिए किसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट या उसका रेफरेंस चाहिए वो भी असद भाई आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि ये कंपटीशन में स्टैंड करने के लिए असद भाई स्पेशली कराची से लाहौर शिफ्ट हुए हैं और इन्होंने कराची को छोड़ के यहाँ लाहौर में ये बिज़नेस स्टार्ट किया, और माशाल्लाह इन्हें 3 से 4 साल हो गए यहाँ पर ये काम करते हुए, और अब इन्होंने काफ़ी अच्छी खासी अपनी यूज़र बढ़ा लिए हैं और अब यहाँ पे बहुत अच्छा बिज़नेस चल रहा है माशाल्लाह इन्हों का। तो इसी तरह आप भी ट्राई करें कि जो नया इलाका है, जो नया डिवेल्प हो रहा कोई सोसाइटी है या विलेज साइड एरियाज़ में नेट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, आप वहाँ पर भी ये सिस्टम कर सकते हैं। तो बाकी इसके अलावा असद भाई यहाँ पर 24 घंटे आपको सर्विस इंशाल्लाह लाजमी प्रोवाइड करेंगे, आपको तमाम तर इंफॉर्मेशन देंगे। अगर मज़ीद इस फील्ड के रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो आप लाजमी कमेंट करके हमसे पूछिएगा, इंशाल्लाह आपके कमेंट के मुताबिक हम मज़ीद अगर असद भाई से इंफॉर्मेशन हमें पर्सनली लेनी पड़ी तो हम आपके लिए वो भी लेंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली आने वाली वीडियो के अंदर, तब तक खुदा हाफिज़।